प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त में हमारे देश के वीर सैनिकों ने पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और पाकिस्तान को दो हिस्सों में श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में विभाजित करवाने का काम भारतीय सेना ने किया था। लेकिन ऐसा हुआ था क्या कि उस जीत को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत बताई जा रही है? ऐसा तो नहीं हुआ था। उस जीत को भारत की जीत बताई जा रही थी, भारत के सेना की जीत बताई जा रही थी। देश जब इस गंभीर संकट से गुजर रहा है तब आप इन बेशर्म भाजपाइयों के पोस्टर को देखिए। इन पोस्टरों में शहीदों के चेहरे नहीं है, शहीदों का नाम नहीं है। मुखिया जी अपना फोटो लगवाए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्योंकि उनको विधायक बनना है। इस पे आपको विचार करने की जरूरत है, इस पे आपको सोचने की जरूरत है कि छाती कूट कर चाय की दुकान पे जो भाजपाई अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करता है वो कहां था जब बेगूसराय का एक लाल सीमा पे शहीद हो गया तो कोई भाजपाई पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उसके घर पे नहीं पहुंचा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई व्यक्ति जब किसी शहीद के घर जाता है तो इस पे कोई राजनीति होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस देश में जब कोई वीर अपनी वीर गति को प्राप्त करता है तो उस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस देश में सेना के नाम पे कोई राजनीति होनी चाहिए। लेकिन आप सोच करके बताइए कि कौन इसके नाम पे राजनीति कर रहा है? वो एगो गवैया है, वो गवैया ठीक से जब गाना नहीं गा पाया तो आजकल नेता बनने चला है। हाँ, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, दिल्ली भाजपा का जो अध्यक्ष है। इतना बड़ा आदमी नहीं है वो। जो गवैया साहब हैं वो पहले सपा से एमपी बनना चाहते थे, जान लीजिए इस बात को। उसी सपा को आजकल वो देशद्रोही बता रहे हैं जिस सपा से वो पहले एमपी बनना चाहते थे। देखिए मामला सेट नहीं हो रहा है, इसीलिए तुरंत मोदी मोदी करने लगे। उससे पहले अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह जी जिंदाबाद करते थे। देखिए कि यहां कैरियर नहीं बन सकता है, इसीलिए तुरंत बस पलट लिए। नीतीश जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, 14 में सीपीआई के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, 15 में आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और 19 में फिर से मोदी जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? इनके लिए राजनीति समाज का कल्याण करना नहीं है, उसको समझाइए। इनके लिए राजनीति समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करना नहीं है। इनके लिए राजनीति समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है समाज को उन समस्याओं से बाहर निकालना नहीं है। इनके लिए राजनीति पहले अपना गोटी सेट करो, फिर बेटा का गोटी सेट करो, फिर बेटी का, दामाद का, इनका लिए यही राजनीति होता है। कोई ईमान धर्म नहीं है। जब तक भाजपा में आप शामिल नहीं हैं, तब तक आपके बारे में तरह तरह की बात की जाएगी। लेकिन जो ही आप भाजपा में शामिल हो जाइएगा आप दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बन जाइएगा। मैं नीतीश जी के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तो सुशासन कुमार थे। जो ही 2015 में भाजपा से गठबंधन तोड़ करके लालू जी के साथ आए तो भाजपा ही कहना शुरू कर दिया आप तो बिहार में जंगल राजा है। क्यों? नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तो बहुत अच्छा था, लालू जी के साथ आते ही बहुत खराब हो गए। और बात यहां तक बढ़ गई कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार करने के लिए आए बिहार तो नीतीश जी के बारे में कहा कि इनका तो डीएनए खराब है। वही डीएनए ठीक हो गया था जब पटना में साथ में बैठ करके रैली कर रहे थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं?
तो ये जो गवैया जी ने जो आजकल एमपी बनना चाहते हैं, एमपी बनकर के और बड़ा नेता बनना चाहते हैं, उससे भी सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं, वो सेना का प्रतीक मान करके वोट मांगने वाले थे। सेना के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? देश की जनता को ध्यान से इस बात को देखना चाहिए और थोड़ा ठहर करके सोचना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। नेता पहले क्या किया? नेता पहले गांधी जी का टोपी लगाया। गांधी जी टोपी लगाते थे? गांधी जी का एक भी हमको फोटो बता दीजिए जिसमें गांधी जी टोपी लगाए हुए हो। गांधी जी टोपी नहीं लगाते थे, लेकिन गांधी जी संत थे, महात्मा थे, गांधी जी ईमानदार व्यक्ति थे, ये देश की जनता को मालूम था। इसीलिए जो टोपी लगाया उसका नाम गांधी टोपी रख दिया कि गांधी के रास्ते पे हम चले या ना चले, लेकिन गांधी का टोपी लगा करके हम गांधीवादी हो जाएंगे और गांधीवादी होने के नाम पे दे धबाधब वोट लेकर के नेता बन जाएंगे। फिर क्या किया? फिर गांधी जी का खादी पहना और जब देखा कि गांधी जी की टोपी और गांधी जी का खादी बदनाम हो गया है, तब सेना का वर्दी पहन लिया है और आज सेना का वर्दी पहन करके सेना के नाम पे वोट मांग रहा है। इस बात को सोचिए और समझिए कि ये जो वातावरण आज हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे असली साजिश क्या है? इसके पीछे असली साजिश ये है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त हाथ हिला हिला करके प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, उन वादों को आप भूल जाएं, उन सारे सवालों को आप भूल जाएं, जो सवाल जो जुमले आपके सामने फेंके गए थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं होगा कि पिछली बार जैसे 3 तारीख को मोदी जी रैली करके गए हैं, रैली करने का टाइम है उनके पास, लेकिन शहीद पिंटू सिंह के घर पे आकर के उनकी पत्नी को और उनके माता को सांत्वना देने का टाइम नहीं है, उनके परिजनों और उनको उनके ग्रामीणों से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो 3 तारीख को जिस गांधी मैदान में वो 2019 में रैली कर रहे हैं, उसी गांधी मैदान में वो 2014 को भी रैली किए थे। और उस रैली में क्या हुआ था? उस रैली में एक बम फूटा था और उस बम फूटने के चलते कुछ लोगों की मौत हो गई थी, हमारे आसपास के इलाके के भी कुछ लोग उसमें मारे गए थे। तब प्रधानमंत्री ने गला फाड़ फाड़ करके वादा किया था कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो लोग गांधी मैदान की रैली से बम ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मिली किसी को? देखे फोटो मोदी जी का? मोदी जी को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। अभी आप देखे होंगे कि कुंभ मेला में गए थे, सफाई कर्मचारियों का पैर धो रहे थे। तो अगर बम ब्लास्ट में मारे गए परिजनों को ये नौकरी देते तो उनके साथ ये फोटो जरूर खिंचवाते। इसका मतलब ये है कि उन परिजनों को कोई नौकरी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री ये बने कि नहीं बने? बिहार की जनता ने इनको वोट दिया कि नहीं दिया? 40 में से 33 सीट ये जीत करके गए कि नहीं गए? लेकिन कौन सा वादा पूरा किया गया, इसको आप विचार करके देखिए। लोग उत्साह में उनकी रैली में गए, उम्मीद में उनकी रैली में गए, बम फूटा, कौन फूटा, कैसे फूटा, आज इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। जो लोग मर गए उनके परिवार के लोग अपना खो चुके हैं, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, लेकिन जो वादा किया गया था उसमें से एक भी वादा नहीं पूरा किया गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप इसका प्रमाण कर लीजिए, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं होंगे, मैं झूठ बोल रहा हूं। एक आदमी को भी नौकरी नहीं दिया गया और घूम घूम करके जो वादे किए गए, क्या हुआ वो वादा? ये गाना सुने हैं ना हिंदी फिल्म का, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ 15 लाख, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, कहां गया काला धन,
क्या हुआ अच्छे दिन का, कौन सा वादा पूरा हुआ ये हमको बताइए। और आजकल हम क्या देखते हैं, एक गाड़ी लेकर के घूम घूम करके जनता को बता रहे हैं कि हमने 5 साल में आपके लिए क्या 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 काम नहीं कर दिया है। आप खुद विचार करके हमको बताइए कि हम कौन सा बात आपको झूठ बोल रहे हैं। कम हो गई महंगाई, आपका दुख तकलीफ कम हो गया, आपका बेटा पढ़ लिख लिया उसको नौकरी मिल गई, कौन सा वादा पूरा हो गया। जो दलित परिवार है उसको 3 डिसमिल जमीन देने का वादा था, क्या को दलित को 3 डिसमिल जमीन मिला। आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का वादा था, किसके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा है, अमित शाह का बेटा को छोड़ करके उसके खाते में पहुंचा है 3.5 करोड़ रुपया पहुंचा है। बोले हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं और आपको यह पता नहीं चलता होगा कि हमारे साथ हो क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि एक ही केस में, चारा घोटाला के एक ही केस में माननीय लालू प्रसाद यादव चारा चोर हो जाते हैं और जगन्नाथ मिश्रा सदाचारी केस में बन जाते हैं। आपको यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जब लालू जी के साथ आते हैं तो खराब हो जाते हैं और मोदी जी के साथ सब मंच पे बैठते हैं बहुत अच्छा हो जाते हैं। एक ही बार में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे ये टीवी वाला फेरे लवली बेचते बेचते प्रधानमंत्री बेचना शुरू कर दिया है। अभी बता रहे थे ना आपको कि दूसरे गांव में मेला देखने के लिए जाते थे तो छेड़छाड़ हो जाता। ये जो जगह है इस जगह से हमारा एक पुराना ताल्लुक है और प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं बोल रहे कि इस मंच पे एक नाटक हुआ था कबीरा खड़ा बाजार में, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। तो उस नाटक में हम रोल करने के लिए आए थे, छोटा बच्चा थे हम, तब से हम खांझापुर आ रहे हैं। हमको नहीं पता था कि नियति जो है एक दिन हमको फिर यहाँ लेकर के आएगी, लेकिन नियति का लिखा कौन मिटता है, फिर से आना पड़ा, दुनिया गोल है, घूम करके यहाँ फिर आ गया। तो मेला में देखिए हरे कुमार का दुकान जो होता है कैसा होता है, बच्चा खेले वाला खिलौना लेबे 10 रुपया, चकला बेलना लेबे 10 रुपया। हरे कुमार देखिए हमारा प्रधानमंत्री एक्चुअली हरे कुमार का दुकान खोला है और दुकान खोल करके क्या करता है, भाइयों बहनों अच्छे दिन ले लो कहाँ है, भाइयों बहनों 15 लाख ले लो कहाँ है। उसका काम ये है जैसे चूहा मारने और खटमल मारने वाली दवा बेचने वाला नहीं होता है बाजार में कि एक बार ले जाइएगा बार बार ले जाइएगा अचूक दवा है। तो सोच कर कभी देखे हैं कि जब अचूक दवा है तो एक बार ले जाएंगे तो बार बार हमको ले जाने की क्या जरूरत है, बताइए। आप खुद हमको विचार करके बताइए कि अगर अचूक दवा है कन्हैया मोहल्लम बाजार में खूब बिकता है, कहता है दांत खाज खुजली सब खत्म कर देगा, 10 रुपया में ले जाइए, एक बार लगाइएगा बार बार लेके जाइएगा, अरे क्यों लेके जाएंगे जब जो छूट जाएगा। तो जो वादा 2014 में किया गया वही वादा 2019 में भी किया जा रहा है और पूरे 5 साल तक ये समझाने की कोशिश करते रहे कि हम काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको नेहरू जी नहीं काम करने दे रहे हैं। गजब बुर्बक आदमी है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और काम इनको नेहरू जी नहीं करने दे रहे हैं। आप देखिएगा कि हर बात के लिए सरकार जो है वो विपक्ष को जिम्मेवार ठहराती है। तो एक बात हमको सोच के बताइए, विपक्ष में जो लोग आज बैठे हुए हैं वो तो कल सत्ता में थे, सत्ता में थे कि नहीं थे, अगर वो सबसे अच्छा काम किए होते तो वही सत्ता में होते ना। तो विपक्ष को जो करना था वो किया और विपक्ष के साथ जनता को जो करना था जनता ने भी कर दिया। अब आप सत्ता में आए हैं तो आप अपना हिसाब दीजिए कि आपने कौन सा काम किया है, बहानेबाजी करना बंद कीजिए। और बहानेबाजी किस तरीके से करते हैं उसको आप समझिए। पहले अगर इस देश के संसाधनों को बेचना हो तो लोगों को धर्म में उलझाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप देखेंगे कि मुद्दा जो है
वो समय समय पे बदलते रहता है। जैसे आप ना कपड़ा बदलते हैं, सर्दी में जो है स्वेटर पहनिएगा, गर्मी आएगा तो गंजी पहनिएगा, वैसे ही सरकार अपना मुद्दा बदलते रहते हैं। कुछ दिन पहले तक आपके टीवी में राम मंदिर का चर्चा बहुत जोर से चल रहा था कि इस बार प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, 56 इंच का उसका सीना है, राम मंदिर पक्का बना दिया गया। बना क्या बना, हमको भी ले चलिए अयोध्या, हम भी चलेंगे जल भरी हुई जल लेकर। बन गया राम मंदिर क्या? कौन सा ऐसा वादा है जो इसने किया हो और पूरा किया हो? देखा कि राम मंदिर जो है उतना आनंद नहीं दे रहा है, साधु संत भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं और जनता भी समझ गई है कि राम मंदिर के नाम पर एक बार तो नाथूराम का सरकार तुम बना लिए हो। आडवाणी जी बने थे ना गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री बने थे, तो आडवाणी जी नेता किस आंदोलन से बने थे? राम मंदिर के नाम से बने थे। मस्जिद तोड़ करके सरकार बना लिए, अपना ऑफिस बना लिए, लेकिन मंदिर आज तक नहीं बनाए। तो देखिए कि राम मंदिर पे जो है जनता हमारे साथ एकजुट नहीं हो सकती है। और गांव की जनता इतना समझती है, बहुत आसानी से इस बात को समझती है। मेरा बचपन मेरी दादी के साथ बीता है तो मेरे कान में वो शब्द हम सुनते रहे हैं। जब भी कोई महिला भगवान का सुमरण करती है तो वो सिर्फ अपने लिए सुमरण नहीं करती, वो कहती है कि हे प्रभु जगत का कल्याण कीजिए, जगत का कल्याण होगा तो हमारा बाल बच्चा का भी कल्याण होगा। ऐसा बोलती है नहीं बोलती है? जब भी कोई धर्म सभा समाप्त होती है तो क्या कहा जाता है? विश्व में शांति हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का पराजय हो, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो गांव में जो लोग धर्म को मानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि धर्म और भगवान के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तुम हमको क्या मंदिर बना करके दोगे? ये दुर्गा मंदिर सरकार बना करके दिया है कि खुद ही बना लिए हैं आप लोग? किसी की भी भक्ति सरकार के भरोसे तो नहीं होती है, भक्ति तो खुद के भरोसे होती है। तो इनको इनके सारे रिसर्च करने वालों ने बताया कि राम के नाम पर इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, काठ कहरिया क्या कर चढ़ते, एक बार चढ़ लो एक बार बने लिया सरकार, इस बार कोई नया मुद्दा होना चाहिए। तो बोला क्या हो भाई? तो बोला सबसे बढ़िया चीज है पाकिस्तान। और पूरे 5 साल में मैं आपको बता देता हूं कि इस सरकार ने जितनी बार हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया है उससे ज्यादा बार पाकिस्तान का नाम लिया है। जब भी कोई भाजपा का विरोध करता है तो तुरंत कह देता है कि अरे ये तो पाकिस्तान से है। जब भी कोई इस सरकार का विरोध करता है तो तुरंत कह देता है कि ये तो पाकिस्तान का समर्थक है और देश का विरोधी है। अब एक बात आप उनको सोच करके बताइए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने नवयुवकों को ये बात जरूर समझाइएगा कि कौन सी ऐसी सरकार इस देश में बनी है जिसका इस देश की जनता ने विरोध नहीं किया है। तब तो कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहता था कि जो मोदी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है। तो मोदी देश हो गया है? मोदी देश है क्या? प्रधानमंत्री का विरोध करना क्या इस देश के नागरिकों का अधिकार नहीं है? अरे आप हमसे वादा किए, आप किए ना, हम आपसे मांगने के लिए गए थे 15 लाख, आप रैली में जा जा करके बताएं कि हम सारा काला धन वापस लाएंगे और आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। और जब आज 5 साल खत्म होने वाला है और हम पूछ रहे हैं कि बताओ कहां है 15 लाख रुपया, तो कह रहे हैं कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। आज जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंजीनियर बनने के बाद लोगों को आज यदि पकौड़ा बेचना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के बाद भी यदि लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने लिखने के बाद भी यदि गरीब गुरबा का जीवन नहीं बदलेगा, जिस उम्मीद के साथ उसने अपने बच्चों को पढ़ाया था उस उम्मीद में यदि पानी फिर जाएगा, तब हम आपसे पूछेंगे कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि हम देश का विरोध कर रहे हैं? ये बेईमानी है। और इस बेईमानी को आप इस खेल में समझिए। सकलुचिया वाला किस्सा सुनो ना, कि सकलुचिया एक बार की कहलकै कि राजा के बगल में खड़ा हो
आ लेलकै मंत्री चुट्टी काट। मंत्री कहलकै कि देखिए हुजूरी हमको चुट्टी काट रहा है। तो राजा को गुस्सा आ गया, बोला इसका नाक काट लो। सेनापति जो ही सकलुचिया का नाक काटा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु साक्षात प्रभु साक्षात प्रभु। अब जो है सब हैरान कि नाक काटा सकलुचिया किसको भगवान दिखने लगा। तो मंत्री बोला कि सच में तुमको दिख रहा है? बोला एकदम सच बोल रहे, सच में हमको भगवान दिख रहे हैं। कहा ठीक है, तो इसका जो है टेस्ट किया जाए। एक सेनक सैनिक को बुलाया। अरे निमलका कहानी सुन नहीं देंगे, गरीब गुरबा की भेजो, गरीब गुरबा या तो खेत में मरे या सीमा पर मरे। कोनो नेता के बेटा जाए छे फौज में कि हमर तोहर भाई जाए छे नौकरी करे, गरीब बच्चा में रहे छे, तो बाप मरे ओकर खेत में आ बेटा मरे ओकर सीमा पर। राजनीति के करती मोदी, मोदी फोटो के लगे थी मोदी, ड्रेस के पहनती मोदी, यह मेरा लेन देश है। देखो सेना को बोले बेटा कटने मरने के लिए तो सैनिक है। तो सेना को बुलाया कि धराओ, बोला इसका नाक काटो। फिर उसका भी नाक काटा। सकलुचिया तुरंत कान में सट करके उसको बोला कि बोलो तुम भी कि भगवान दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, नहीं तो हमको भी नाक कट्टा कहेगा और तुमको भी नाक कट्टा कहेगा। अब बोला कि हमको भी भगवान दिख रहे हैं, हमको भी भगवान दिख रहे हैं। ऐसे करके एक एक करके सब अपना अपना नाक कटवा लिया, पूरा दरबार नाक कटवा लिया। तब बारी आई राजा की। राजा कहा कि जो है ठीक है, तब हमको भी भगवान देखना है, ऐसा करो मेरा भी नाक काट दो। तो सैनिक आया और राजो का नाक काट दिया। राजा कहा कि कहां भगवान दिख रहे हैं? तो सकलुचिया बोला हुजूर हमारा नाक कट जाता तो हमको लोग नाक कट्टा कहता, तब राजा का ही नाक कटा हुआ है तो कौन हमको नाक कट्टा कहेगा। इस देश के साथ यही हुआ है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता हो तो राजनीति में झूठ बोलने को कौन गलत कहेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री ही अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया हो तो इस देश में और किसी के बारे में लोग क्या कहेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री ही जब हथियार खरीदने में दलाली खाता हो तो बाकी लोगों को लोग क्या कहेंगे। जितना चोर गुंडा डकैत बेईमान सब इकट्ठा होकर के देश की जनता के गुस्से का और उसकी उम्मीद का फायदा उठाया। हुआ यह कि जनता पिछली सरकारों से परेशान हुई थी, यह बात सच है, और परेशान जनता एक नई उम्मीद को ढूंढ रही थी। और नई उम्मीद क्या होता है? नई उम्मीद यह होता है कि तोरा बिछौना में भोग पुलिस रात सुतल जाए छे, अनेक कर दे छे तैयो काटे है, अनेक कर दे छे तैयो काटे है। अगला दिन गेला बाजार खाद खरीदे ले, बच्चा खातिर सामान खरीदे ले, सब्जी खरीदे ले, देख ले ओजा मिल रहे हैं, आइए लीजिए खटमल मारने वाली दवा ले जाइए। पुलिस से परेशान लोग रहबे करे, फट सन दवाई खरीद लेके धारा था। इस देश के साथ वही हुआ, जनता परेशान थी अपने दुख और तकलीफ से, और उस दुख और तकलीफ में परेशान होने के चलते जब कोई आकर के ये कहा कि मैं तो चाय बेचने वाले का बेटा हूं तो सब गरीब को लगा कि गरीब का बेटा है चलो इसको वोट दे देते। उसको क्या पता था कि है गरीब का बेटा जरूर, कि पैदा जरूर हुआ है गरीब के घर में, लेकिन ये चौकीदार है अंबानी के घर का, ये चौकीदार है अदानी के घर का। जनता को क्या मालूम था कि इस देश के सेना के साथ ये गद्दारी करेगा, उसके लिए जहाज खरीदने के नाम पर दलाली खाएगा, चौकीदार होने का दावा करके इस देश के साथ चोरी करेगा, इस देश की जनता को नहीं मालूम था। और जब इसका 5 साल का टॉक टाइम खत्म होने वाला है तब ये नया नाटक करना शुरू किया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे। रे लुच्चा, जब बिरयानी खाने के लिए गए थे तो उसके घर में ही गए थे तो दो चार झापड़ घींच देते तब समझ में ना था? पाकिस्तान गया था कि नहीं गया था बिरयानी खाने के लिए? क्यों गया था?
क्योंकि जिसके पैसा से हेलीकॉप्टर पे उड़ता है ना, टीवी पे बड़का बड़का फोटो आता है, पेट्रोल पंप पे जाइएगा वहां भी दांत खिसोड़ करके ये आपको मिल जाएगा, अखबार देखिएगा वहां भी दांत खिसोड़ के मिल जाएगा, ये टीवी खोलिए वहां भी दांत खिसोड़ा हुआ प्रधानमंत्री आपको मिलेगा। ऐसा दांत खिसोड़ प्रधानमंत्री दूसरी बार क्या करने लगा। तो ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा देता है वही जिसके लिए दुनिया का चक्कर लगाता है, उसका बिजनेस सेट करता है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, कमीशन एजेंट है। जीरो माइल देखो ना, जीरो माइल बालू गिट्टी मिले छे। हमर बाबू ट्रांसपोर्ट के काम करे थे, हम जाने छे बहुत बढ़िया से खिस्सा। तोरा घर बनबे छौ, तुम बालू ले गेले हैं, तुम जोर के लहो अपन मिस्त्री की ठकायब में हरण महादेव चौक पर जेबो बालू खरीदे। गेलो मिस्त्री के लैके, हम सच बात बोले छो, पूछ लियो ककरो से, मिस्त्री के लैके जेबो आ हुआ दू चार गो घूमत हो तो बालू लेबो बालू लेबो। बस छे तोरा बालू लिए छो, बालू लिए हमरा के मुँहे लगे छे कि बालू ले ले सौते बाजार छोड़ कर सब कुछ छोड़ के बालू में तोरा के हिबने चले। तो जे ओजा रोज बैठे थे चाय दुकान पर, दूरे से देख के बुझ गेल कि बालू ले ले, बस उ सैक गेल कौन बालू लेबे, तो हाँ लेबे बालू चलो ना दिलवाई दे छो, नहीं नहीं तोरा सामने बात करबो हमर मिस्त्री बतबे तो के मिस्त्री छथिन जे इनका लेके गेल उ मिस्त्री 200 रुपया में सैक गेल। कहलक हे नापी गलती करवाई दिया 200 रुपया तोरो देबो 200 रुपया हमरो देबो। कि देश का नेता हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम रोज अपने दुख तकलीफ में पड़े हुए हैं, हर बार हमको आकर के कोई ना कोई ठग करके ले जाता है। कोनो दिन बाबा आए थे मुंह देख के कहते आप बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमार टूटल का घर देख के कहने बूझे थे हम बहुत बड़ा समस्या जूझ रहे हैं, आप हमारा अंगूठी ले लीजिए आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इहो हाथ में अंगूठो में पीछ ले लो, तब कहला ताबीज पीन ले। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है, और दिमाग अगर किसी के पास है, अगर वो सोच सकता है, तो उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। हमारे एक साथी कह रहे थे कि आपके हाथ में तलवार है, नहीं है मेरे हाथ में तलवार, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं, आपके ही जैसे एक परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, 3000 रुपया कमाती है, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास, हाथ में तलवार नहीं है लेकिन दिमाग में विचार है, क्योंकि हमने आपके मेहनत के पैसे से पढ़ाई की है, आपके टैक्स के पैसे से पढ़ा है, हमको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो सवाल मैं आपके सामने आकर के रखता हूँ, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप भी सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिस अदानी और अंबानी के पैसे से, जिसके चंदे से हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं, उसकी संपत्ति रोज बन रही है, और इस देश की जनता ने विश्वास करके इस प्रधानमंत्री को वोट दिया, वो जनता रोज मर रही है, ये इस देश की सच्चाई है। कभी खेत में जनता जान दे रही है, कभी फैक्ट्रियों में जान दे रही है, कभी सीमा पे जान दे रही है, कभी उसकी अस्मत लूटी जा रही है। एक एक करके योजनाओं को जिस तरीके से हमारे ऊपर थोपा जाता है, उन योजनाओं की हकीकत को आप जाकर के देख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना NS बनना शुरू हो पीछा से खरनाइयो शुरू हो, वृद्धा पेंशन योजना की हो 500 रुपया हमारा बताबो तो की हो 500 रुपया सोच बताबो कि देश के पास पैसा नहीं है। अंबानी एक दिन में 350 करोड़ रुपया कमाता है, 350 करोड़ कहां से आता है पैसा? क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह शहादत दिए थे? क्या इसी दिन के लिए अशफाकुल्लाह खां फांसी पे झूल गए थे? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तपस्या की और एक बेहतरीन संविधान हमको लिख करके दिया? क्या इसी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए निछावर कर दी? क्या इसी के लिए सावित्रीबाई फुले ने ये बीड़ा उठाया कि हम खुद पढ़ेंगे और इस देश की महिलाओं को पढ़ाएंगे? क्या इसी लिए सब कुछ हुआ था? आज इस बात पे हमको विचार करना पड़ेगा, यह बात हमको सोचनी पड़ेगी कि जो आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, आज वो आजादी खतरे में है। जिनको हम इस देश का रक्षक समझते हैं, वो इस देश का भक्षक बन गए हैं, और उनके ऊपर जो लोग सवाल पूछते हैं, उनको ये देश यही साबित करने पे तुले हैं। आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको सरकार किस लिए चाहिए।
कोनो भजपैया बहस कर लेकर ना आ कहत कि मोदी जी नहीं रहती ना ना तो एयर स्ट्राइक नहीं होते तो कहियो वह पायलट रहें वह जहाज उड़ा करे रहें कल के तोरा घर में बेटा बियाह होता कह दियो नहीं मन बेटा बियाह नहीं छे मोदी जी बियाह छे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, सॉरी माफ कीजिएगा, कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो मैच कौन जीता? भारत जीता ना, मोदी जी तो नहीं जीते ना। तो एयर स्ट्राइक जो हुआ उसको वायुसेना ने किया ना, मोदी जी नहीं किए ना। तो क्रेडिट किस बात का, किस बात का क्रेडिट? देश में हर आदमी को अलग अलग काम करने की जिम्मेवारी दी गई है। हमें खुरपी से कमौनी करवाए, कोई कोदार फाड़ता है, कोई गाछ पांगता है, कोई गोबर उठेता है, कोई गाय जुहता है, कोई बेलना रोटी बेलता है, कि सभी काम कहते हैं सब काम हम ही कर रहे हैं अकेले। देश में प्रधानमंत्री के अलावा आप बता दीजिए कि कौन सा मंत्री का नाम आपको याद है? रक्षा मंत्री का कोई बयान सुने हैं? गृह मंत्री का पता ही नहीं चलता है कि देश चला कौन रहा है। ये सब कुछ क्यों किया गया है? ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि मोदी को एक व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक ब्रांड के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब ब्रांड की होइ छै हे, एक बार कहियो फेर लवली क्रीम खूब कनवा होइ छै, दू दिन लगेलिए तनी रंग साफ हो गेलै, कहलिए अच्छा तो तनी फेर लवली लावा हमरा फेसिया मुँह रगड़ि दै छै मुँह साफ होइ छै। कैसा बेवकूफी वाली बात हम लोग करते हैं। फेर लवली से कोई घोड़ा हुआ है आज तक? क्या हो सकता है कोई घोड़ा? और अगर हम काले ही हैं तो उसमें क्या बुराई है हमको ये बता दीजिए। भगवान कृष्ण का रंग काला नहीं था? काला था कि नहीं था? था ना, कृष्ण का रंग काला था, वो तो भगवान थे। जब हमारे भगवान का रंग ही काला है तो मेरा रंग काला हो गया, इसमें कौन सी शर्म की बात है? ये बात अब हमको समझा दीजिए, क्यों हमको गोरा होना है? कोई इंसान मुंह से सुंदर होता है तो अपने कर्म से सुंदर होता है। खूब चिक्कन भूतो हो ले एकदम गोर है, भोरे के देख लो तो मन प्रसन्न, अब मुंह खोलल बा तो सास को दू गो क्या बढ़िया कहो खराब कहो। कोई भी इंसान चेहरे से सुंदर नहीं होता है, अपने कर्म से सुंदर होता है। और प्रधानमंत्री को देखे हैं, प्रधानमंत्री हजारों रुपए किलो का मशरूम खाता है, का है तो मुंह हमारा लाल हो जाए, उड़ारी उड़ारी कर दे की होता तो मुंह लाल हो गया की जरूरी से मुंह लाल हो गया। ये जो देश में तमाशा चल रहा है इस तमाशे को समझिए, इसलिए समझिए कि देश में जो अधिकार हमको प्राप्त हुआ है ये कोई हमको भीख नहीं दिया है, इसके लिए लोगों ने जान दी है, अपना जीवन न्यौछावर किया है, तब जाकर के ये प्राप्त हुआ है। अभी दादा बता रहे थे बैठ बिगारी मन मन फेरी वाला कहानी। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा चेरिया बरियारपुर बकरी के जो इलाका है, जमींदारों का बोलबाला था इस एरिया में। लोग जूता पहनकर के जमींदार के घर के आगे से नहीं गुजर सकते थे, छाता नहीं लगा सकते थे, घोड़ा पे नहीं चढ़ सकते थे। ये सच्चाई है कि नहीं है? समाज बदला कि नहीं बदला? अपने आप बदल गया, इसके लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो अधिकार आपको आपके संविधान ने दिया है आज उस संविधान के ऊपर खतरा है, उस संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है और आपका ध्यान उस तरफ ना जाए, इसीलिए मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, इसीलिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जा रहा है, ताकि आप अपने सच को नहीं समझ पाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आतंकवाद देश में कोई समस्या नहीं है, समस्या है और उस समस्या को निपट लेने में हमारी देश की सेना सक्षम है, हमको अपनी देश की सेना पर भरोसा करना चाहिए। जब कोई ये कहता है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश गुलाम हो गया होता, तो मोदी जी का बर्थडे तुरंत पूछ लीजिए कि कब पैदा हुए थे। मोदी जी नहीं थे तब देश आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था? मोदी जी जब नहीं थे तब इस देश में ट्रेन चला कि नहीं चला?
मोदी जी नहीं थे तो हम चांद पर गए कि नहीं गए, मोदी जी नहीं थे तब हम मंगल पे गए कि नहीं गए, मोदी जी नहीं थे तब एम्स बना कि नहीं बना, मोदी जी नहीं थे तब सड़कें बनी कि नहीं बनी, और मोदी जी नहीं थे तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने हमको एक बेहतरीन संविधान दिया, जिस संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, और यह जो हम भारत के लोग हैं हम सब बराबर हैं। हमें मंच पर चढ़ गई थी, हमें बेसी पुरखाएं नहीं हो गई, तो सब नहीं जो बैठल रहते तो भाषण सुने के पीपर के गाछ का भाषण सुनिए कि देवा स्कूल के देवाल के भाषण सुने के दुर्गा जी के मंदिर के भाषण सुने के बिना जनता का नेता का क्या वैल्यू है। और ये बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके बीच में नेता बनकर के नहीं आया हूं, पर मैं ये भी कह देता हूं कि आपको किसको वोट देना है ये आपका अधिकार है, आप तय कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि आपके पैसे से, आपके मेहनत के टैक्स के पैसे से मैंने पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी किया है, अपने नाम के साथ मैंने डॉक्टर लगवाया है, ये जो मेरी मेहनत की पढ़ाई है उससे जो मैंने सीखा है उस नमक की अदायगी करने के लिए आपके पास आया हूं, और आपको कहने के लिए कि आपके साथ एक ऐसी साजिश रची जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हजारों साल से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक ही गांव में रहते आए हैं, खां जहांपुर नाम है ना इस गांव का, खाली हिंदू रहता है मुसलमान भी रहता है, खाली मुसलमान रहता है कि हिंदू भी रहता है, हम एक ही गांव में रहते आए हैं कि नहीं रहते आए हैं। एक साजिश रची जा रही है, मोदी मुमकिन है के नाम पे हजारों साल एक साथ रहने वाले हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटा जा रहा है, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है, नफरत की आग में देश को जलाने का काम किया जा रहा है। ये हम आपको बताने के लिए आए हैं, हम आपको बताने के लिए आए हैं कि ऐ मेरे जिले के वासियों, आप इस बात को समझिए कि जो आजादी हमको मिली थी वो आजादी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया बराबरी से सर उठा करके जीने का, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, सबका वोट बराबर होगा, उस बराबरी के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए है, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो वोट का बराबरी का अधिकार था तो स्कूल भी बराबर होना चाहिए, यह हमारा सपना था। जब वोट बराबर है तो सड़क पे चलने का अधिकार भी बराबर होना चाहिए, यह हमारा सपना था। जब वोट का अधिकार बराबर है तो हमारे जीवन जीने का स्तर भी बराबर होना चाहिए, यह हमारा सपना था। आज इस सपने को पलट दिया गया है, ऐसे पलट दिया गया है कि थोड़ा सा पैसा यदि आपके पास हो जाए तो आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में जब इलाज नहीं होगा, तो आप सोच करके बताइए कि किनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, किनके बच्चों का इलाज नहीं हो पाएगा, इस पे आप विचार करके देखिए। एक एक करके इस देश के संस्थानों को तबाह किया गया है, इसीलिए मैं अपने जिले के वासियों को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है कि इस आजाद देश में हमको अपनी आजादी के लिए आजादी की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के रास्ते पर चल करके एक बेहतरीन भारत का निर्माण करेंगे, और हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा कोई है तो वो ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान, ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे पे हम बात करेंगे, और इस एजेंडे पे अगर हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपने हक और अधिकार को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हिंदुस्तान का इतिहास ये जानता है कि हिंदुस्तान की जनता जब जब सड़कों पे उतरी है तो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया है, अंग्रेज के इन चमचों को भी खदेड़ कर भगाएंगे और एक मुकम्मल भारत का निर्माण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि लड़ाई जब भी ईमानदारी से लड़ी जाती है तो उसको जीती जाती है, और दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, यारों एक पत्थर तबीयत से उछालेंगे, गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और सामाजिक न्याय के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।